नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास इलेवेंथ की हिंदी, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक। तो हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है हमारे हिंदी व्याकरण में बाकी चीजें जो हम क्लास टेंथ तक पढ़ते हैं वो कुछ भी नहीं आता, यानी कि हमारा बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक रहता है, यानी जिसमें हम पढ़ते हैं आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय रिपोर्ट और संचार और जनसंचार। ये सारी चीजें हमारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक होते हैं, यानी कि आपको लेख आलेख किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, आलेख लेखन, फीचर लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें वहां पर करनी होती हैं और जनसंचार से संबंधित भी विभिन्न सारे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ इस तरह से यहाँ पर चीजों को पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था संपादकीय लेखन। संपादकीय का क्या महत्व होता है, संपादकीय लेखन क्या होता है, उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है, संपादकीय किन किन विषयों पर लिखा जाता है, तो संपादकीय लेखन के विषय क्या क्या है। तो ये चीजें आप जरूर घर पर भी एक तरह से रिवाइज करते रहे, साथ में समझते रहे, पढ़ते रहे। और उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संपादकीय लेखन के जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे हमने कहा कि निम्न पर हम संपादकीय लिख सकते हैं, तो ये संपादकीय होता क्या है ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था। जैसे आप देखेंगे संपादकीय का अर्थ बताइए कि संपादकीय होता क्या है, तो संपादकीय के अर्थ में मैंने आप लोग को बताया कि समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार, समाचार पत्र का जो संपादक होता है, यानी कि जिस भी समाचार पत्र को आप पढ़ रहे हैं उसका जो संपादक होता है उसके जो अपने विचार होते हैं उनको संपादकीय कहते हैं। तो प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन जो भी अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अपने विचारों को व्यक्त करता है, उन पर अपने विचारों को एक तरह से क्लियर करता है। तो और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो चीजें होती हैं, यानी कि जो भी चीजें वो उसमें लिखता है वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यानी कि किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है, यानी कि या तो हो सकता है कि वो किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हो, रिस्पॉन्स दे रहा, एक तरह से रिस्पॉन्स कर रहा हो किसी भी घटना पर जो भी हमारे देश में हमारे आसपास किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं उसके, ठीक है, या किसी विषय पर, किसी प्रवृत्ति पर उसके अपने विचार हो सकते हैं। दूसरा है, इनमें किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, यानी कि वो किसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर कि उस आंदोलन में इस टाइम पे जो ये आंदोलन हुआ था इससे ये प्रेरणा ली करके उस आंदोलन से संबंधित प्रेरणा हो सकती है। और दूसरा तो किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है, ठीक है, किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है, यानी कि जो स्थिति देश में चल रही है और वो काफी उलझन में है, फंसी हुई है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक आए दिन हमारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं और उन्हीं का विश्लेषण आप देखेंगे संपादकीय पेज पर होता है। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। उसके बाद अच्छे संपादकीय के क्या गुण होने चाहिए, यानी कि अगर आप संपादकीय लिख रहे हैं तो उसके क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत ही एक तरह से चीजें अच्छी अच्छी क्लियर की थी कि किस तरह का आपका एक संपादकीय होना चाहिए। और उसके बाद था फीचर लेखन, फीचर लेखन किसे कहते हैं, और ये आपका क्लास ट्वेल्थ में आता है, फीचर लिखिए, ठीक है, आपके इलेवेंथ में भी आ सकता है, ये इलेवेंथ में के भी टॉपिक हैं। तो फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमने यहाँ पर कहा कि जैसे हमने यहाँ पर समाचार पत्रों के अतिरिक्त, जो समाचार पत्रों के अतिरिक्त समाचार पत्रों में, देखिए जो समाचार होते हैं, न्यूज जो होती है उसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में मुख्य रूप से जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए संपादकीय डाला जाता है, जिसमें जीवनगत एवं यथार्थ की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए फीचर लेखों की उपयोगिता
असंदिग्ध है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो फीचर होता है वो समाचार नहीं होता, एक तरह से वो क्या होता है, वो ऐसी एक तरह से सामग्री होती है, यानी कि ऐसी कोई भी जो फीचर होता है वो समाचार नहीं होता, बल्कि उसमें प्रकाशित ऐसी सामग्री होता है जिसका संबंध केवल जीवन की परिस्थितियों एवं परिवेश से होता है। यानी कि वो कोई न्यूज नहीं होती। न्यूज क्या होती है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, इस तरह की चीजें न्यूज होती है। और ये उन्हीं न्यूज में से एक जो महत्वपूर्ण घटना होती है या जो जीवन से रिलेटेड होती है, जिसका संबंध जीवन की परिस्थितियों से होता है, परिवेश से संबंधित होता है, उस पर वहां पर विशेषण एक तरह से उस पर वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फीचर की आवश्यकता क्यों है ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था फीचर क्या है। ठीक है, फीचर किसे कहते हैं, ये मैंने आपको परिभाषा के तौर पर बताया था कि किसी स्थान, किसी परिवेश, वस्तु, घटना का ऐसा शब्द रूप जो भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो और कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फीचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया था अच्छे से कि फीचर की परिभाषा क्या है। और उसके बाद देखिए हमने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी थी कि फीचर की विशेषताएं बताइए। उसके बाद हमने पढ़ा था आलेख किसे कहते हैं, और ये तो आपका 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में और क्लास 11th के जो आपके एग्जाम है उसमें आपका आता ही आता है, यानी कि आलेख लेखन क्या है, आलेख लिखिए, अच्छे आलेख के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अच्छे आलेख में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, जिज्ञासाशील होना चाहिए, विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण होने चाहिए, भाषा सहज सरल और प्रभावशील होनी चाहिए, एक ही बात पुनः पुनः ना लिखी जाए, विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए, और आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर होना चाहिए। ये मैंने क्लियर किया था। और फिर मैंने इस तरह से आपको एक उदाहरण भी यहाँ पर बताया था कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर के आप के ऊपर आप एक यहाँ पर आलेख लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर सबसे मेन चीज जो दूसरी है वो हमने यहाँ पर बताई थी, रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन लेखन। आपका वहां पर रिपोर्ट भी लिखा हुआ आता है इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद आपका हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा प्रतिवेदन। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट किसे कहते हैं, तो रिपोर्ट के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया था कि रिपोर्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग जो होती है वो ज्यादातर क्या होता है, फील्ड काम होता है, फील्ड में जाकर होता है रिपोर्टिंग का काम। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि सेमिनार, रैली, संवाददाता सम्मेलन आदि से विभिन्न प्रकार की जो खबरें हैं उनको एकत्रित करके अपने कार्यालय में लाकर प्रेषित करना रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्ट और रिपोर्टिंग। उसके बाद रिपोर्टिंग के प्रकार, कितने टाइप की रिपोर्टिंग होती है, तो इसमें तो मैंने आपको बताया था राजनीतिक रिपोर्टिंग हो सकती है, साहित्यिक रिपोर्टिंग हो सकती है, सामाजिक आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्टिंग हो सकती है, अदालतों की रिपोर्टिंग हो सकती है, आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग हो सकती है, किसी भी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, यानी कि संवाददाता सम्मेलन हो सकता है, युद्ध और विदेश यात्रा की रिपोर्टिंग हो सकती है, प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना की रिपोर्टिंग हो सकती है, दंगे की रिपोर्टिंग हो सकती है, संगीत सम्मेलन एवं कला संबंधित रिपोर्टिंग हो सकती है, खोजी समाचारों की रिपोर्टिंग हो सकती है, व्यावसायिक प्रगति एवं स्थिति की रिपोर्टिंग हो सकती है, पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि, इन सब चीजों की रिपोर्टिंग हो सकती है। यानी कि बहुत सारे टॉप टॉपिक हैं जहां जाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक अच्छी रिपोर्टिंग के अपेक्षित गुण क्या हैं, यानी कि एक अच्छी रिपोर्टिंग लिखने के लिए आपको किन किन चीजों को फॉलो करना होता है।
तो देखिए यहाँ पे आप ना बिल्कुल भी इसको पढ़ने में समझने में जरा सी भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपने ये जो रिपोर्टिंग के अपेक्षित गुण अगर पढ़ लिए तो आप एक अच्छा रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक अच्छी रिपोर्टिंग तभी अच्छी हो सकती है जब उसमें गुण हो, और गुण कौन कौन से हो, जैसे रिपोर्टर के डेस्क से संबंध अच्छे होने चाहिए, रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट की भाषा अलंकारिक ना हो और ना ही मुहावरेदार हो, रिपोर्ट में सूचना भर होनी चाहिए, किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकले हो, भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो भी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं वो विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हो, रिपोर्ट संक्षिप्त यानी कि बहुत ज्यादा 10 पेज 15 पेज 20 पेज की नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और रुचिपूर्ण होना चाहिए, शीर्षक ऐसा हो जो मुख्य विषय को रेखांकित करे, ऐसा शीर्षक दे जो मुख्य विषय को रेखांकित करे, रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए, प्रतिवेदन के अंत में सभा अथवा दल अथवा संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा देने चाहिए। यानी कि आप जब रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको रिपोर्ट के एंड में वहां के, यदि वो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो उनके हस्ताक्षर करके जो है आपको भेज देने चाहिए। अब देखिए रिपोर्टिंग लिखने की विधि, रिपोर्टिंग की विधि भी मैंने आपको बताई थी कि सर्वप्रथम आपको संस्था का नाम, फिर बैठक सम्मेलन में का उद्देश्य क्या है, क्यों किस रीजन से किया गया है, आयोजन के स्थल का नाम क्या है, आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी दी जानी चाहिए, कार्यक्रम में गतिविधियों की जानकारी दी जानी चाहिए, यदि भाषण हो तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाए और निर्णयों की जानकारी भी दी जाए, और प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसको भी उल्लेख किया जाए। यानी कि अलग अलग तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग बताई थी आपको वायु प्रदूषण से संबंधित, और ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये काफी ओल्डेस्ट जो हमने यहाँ पर दिया है आंसर है, तो इसमें अभी काफी सारी चीजें जो है चेंज हो गई है, काफी सारी चीजें परिवर्तित हो गई है जो आपने यहाँ पर अपने एग्जाम के टाइम पे बदलनी है, और ना कि एज इट इज आपने नोट करना है, एज इट इज आपने कुछ भी नहीं लिखना है, आपने क्या करना है, आपने तैयार करनी है एक रिपोर्ट, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे वो फिर क्लास 11th का हो चाहे फिर वो क्लास 12th का हो, क्योंकि ये जो आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इजी भी है और बहुत ही ज्यादा समझने लायक भी है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझें, बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। तो देखिए संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई, संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई और जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था कि ये दो, एक तरह से दो या दो से एक तरह से सीमित व्यक्तियों की ये कोई परिघटना नहीं है, यह हजारों लाखों के बीच होने वाला संचार है। अब देखिए जिस तरह से एक न्यूज रीडर होता है वो कहाँ बैठता है, वो दिल्ली के स्टूडियो में बैठता है और वहां से वो न्यूज डिलीवर करता है, लेकिन पूरा का पूरा देश उसको सुन पाता है, उसको समझ पाता है। और देखिए इस तरह से भी बाकी चीजें, जैसे हम यहाँ पर बताया कि कई बार जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं या छोटे होते हैं, वो घर से बाहर चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बार 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 एक तरह से उनको उनको कॉल करते हैं, और ये सब चीजें क्या है, ये किससे पॉसिबल है, ये संचार से ही पॉसिबल है। पहले के टाइम में क्या होता था, संचार का जो माध्यम होता था वो क्या होता था कि लोगों को अगर आपको कोई अपना संदेशा भेजना है, अगर आपको कोई अपना पत्र भेजना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, जब राजा महाराजा के टाइम पे तो उस टाइम पे पैदल जाया करते थे,
उसके उसके बाद जो घुड़दौड़ी वाला जो एक तरह से आया कि उसके बाद घोड़े पर बिठाकर भेजा जाएगा। उसके बाद आपने सुना होगा कि कबूतरों को भी संचार यानी कि अपने पत्रों को इधर से उधर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जिसका अर्थ ही है चलना, जिसका अर्थ ही है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, संचार सिर्फ दो व्यक्तियों या दो परिघटनाओं या हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार का विस्तृत है। यह हजारों और लाखों के बीच में होने वाले जन संचार का विस्तृत, एक तरह से विस्तृत है। अतः सूचनाओं, संचार और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही संचार है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, क्या परिभाषा आपकी बनेगी? सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को, सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को लिखित, मौखिक या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों को संचार के माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं, किसी भी विचार को, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना को, विचार को, भावनाओं को लिखित रूप से, मौखिक रूप से या दृश्य श्रव्य के माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो उसे संचार कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। तो इस तरह से संचार क्या है ये हमें पता चल गया। अब देखिए, अंजाम देने में मदद करने संचार कहलाते, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। अब देखिए, टाइप्स, कौन कौन से टाइप होते हैं संचार के, संचार यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तो संचार के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आप देखिए कि संचार के विभिन्न प्रकार बताइए, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। तो देखिए, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, ये तो आपको पता है, संचार एक जटिल प्रक्रिया है। उसके कई रूप और प्रकार भी हैं, कई रूप और प्रकार भी है जो निम्नलिखित है। संचार के जो एक तरह से प्रकार है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है आपका मौखिक संचार। सबसे पहला क्या आता है आपका, मौखिक संचार आता है। और मौखिक संचार में क्या होता है कि एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार, इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। यानी कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, तो देखिए, तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने इशारे या फिर क्रिया, कोई भी चीज है, किसी भी तरह से बात करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक संचार। और इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, हाथ की गति। यानी कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके उसी मोमेंट में हाथ जो है, उसी टाइम पर जो आपके हाथ है वो मूव करने लगते हैं। यानी कि वो उसी तरह से क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और जब दो व्यक्ति आपस में फिर क्या होता है, आंखों और चेहरे के भाव यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है हमारे, आंखें किस तरह से हो रही है, चेहरे पर किस तरह का भाव है, स्वर में कितना उतार चढ़ाव है, और ये सारी चीजें आपके क्या आती हैं, मौखिक संचार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अगला है अंतर वैयक्तिक संचार। अब देखिए, अंतर वैयक्तिक यानी कि जहां पर जो दो व्यक्ति पर्सनली जो है बात कर रहे हो, अंतर वैयक्तिक कहलाता है। तो इस संचार में जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। और इस संचार की मदद से आपसी संबंध विकसित करते हैं। यही जो व्यक्ति अंतर वैयक्तिक संचार होता है, यानी कि आपस में हमें कब पता चलता है कि वो इंसान किस तरह का है, जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसको जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो किस तरह का
व्यक्तित्व है उसका, किस तरह का वो इंसान है। तो ये सारी चीजें जैसे हमने कहा कि एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं, जिसमें हाथ की गति, आंखों के चेहरे का भाव और स्वर के उतार चढ़ाव आदि पर क्रिया होती है। अंतरव्यक्तिक संचार, जैसे मैं बताया आपको कि दो व्यक्तियों के आपस में आमने सामने बैठकर जो वो बात कर रहे होते हैं वो अंतरव्यक्तिक संचार होता है, और इसमें आपसी संबंध विकसित रहते हैं, यानी कि आप इसमें कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होती, और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करते हैं, और यह संचार का पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। यानी कि यही क्या है, संचार का ये जो रूप है यही आपका पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अगला है आपका समूह संचार। पहला हमने क्या पढ़ा, मौखिक संचार, दूसरा हमने पढ़ा अंतर व्यक्तिक संचार, और तीसरा है हमारा समूह संचार। समूह संचार को कई बार हम जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक समूह आपस में विचार विमर्श या फिर चर्चा करता है। जो समूह है वो क्या करता है, आपस में बैठकर विचार विमर्श करता है या फिर चर्चा करता है। कक्षा समूह इसका अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर जो समूह संचार है उसमें केवल एक अच्छा जो उदाहरण हमने यहाँ पर देखा वो है कक्षा समूह, इसका अच्छा उदाहरण है, और इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर समूह संचार क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। एक समूह संचार जब हम क्या करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया है कि हमें हमेशा इसका अच्छा उदाहरण एक ये हो सकता है कि इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को और बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। तो ये क्या है, संचार। संचार के तीन प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े। अब चौथा प्रकार आता है जन संचार, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपका चौथा प्रकार है। तो आपका चौथा प्रकार जो है वो है आपका जन संचार। क्या है, जन संचार। तो जन संचार क्या होता है, अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, मौखिक संचार, अंतर व्यक्तिक संचार, और आपका अगला हमने यहाँ पर पढ़ा समूह संचार। तो तीन चीजें, और नंबर फोर्थ है हमारा जन संचार। नंबर फोर्थ हमारा क्या है, जन संचार। तो देखिए जन संचार किसे कहते हैं, जन संचार क्या है, ठीक है। जब व्यक्तियों के समूह के साथ, ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्तियों के समूह के साथ, अभी तक देखिए जो संचार हो रहा था उसके भी अलग अलग माध्यम थे, लेकिन जो जन संचार है वो क्या है कि जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीक या किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से यांत्रिक माध्यम के जरिए किया जाता है तो इसे जन संचार कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब व्यक्तियों के समूह के साथ, यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा ग्रुप होता है व्यक्तियों का, और उसमें संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, ठीक है, किसी टेक्निक के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने टीवी, जो टीवी में आप देखेंगे कि न्यूज किस तरह से आपकी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि न्यूज जब पढ़ी जाती है तो वो एक विशाल जन समूह को संबोधित करती है, और जिस तरह से आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट देखते हैं तो उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि कितना ज्यादा लोड रहता है, और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होता है, एक विशाल जन समूह जो है एक ही टाइम पर देख रहा होता है, तो उसे ही हम कहते हैं जन संचार। और इसके अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, इससे भी आप कई बार जो है ग्रुप कॉल्स कर लेते हैं या बाकी चीजें कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका जो हमारा एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या होता है कि समाज के एक विशाल वर्ग में किया जाता है, और इस
से जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जा रहा है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब इसके माध्यम है, यानी कि इनको हम कह सकते हैं जनसंचार के माध्यम। ध्यान रखिएगा, जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के माध्यम, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं जनसंचार के माध्यम। तो देखिए फिर से एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं कि यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाया जा सके। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट इसके माध्यम है, जिनको हम जनसंचार के माध्यम भी कहते हैं। अब देखिए जनसंचार की विशेषताएं बताइए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनसंचार की विशेषताएं बताइए। तो देखिए जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जनसंचार की कुछ विशेषताएं जो है यहाँ पर दी गई हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए जो जनसंचार की विशेषताएं हैं उनमें देखिए, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है, ठीक है। जो भी संदेश प्रचारित किया जाएगा, जो भी संदेश प्रकाशित किया जाएगा, उनकी जो प्रकृति होगी, यानी कि उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, सार्वजनिक होगी। उनकी प्रकृति कैसी होगी, सार्वजनिक होगी। और दूसरा, सार्वजनिक यानी कि जो सब लोगों के काम आए, सब उसको सुन सके, सब उसको पढ़ सके, सब उसको समझ रख सके, वही चीज है कि वो सार्वजनिक हो जाता है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है। देखिए इसके लिए कोई भी इंसान ऐसे नहीं बना सकता, एक औपचारिक संगठन होता है प्रॉपर तरीके से जनसंचार के लिए। और इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। इस माध्यम के लिए क्या होता है, अनेक द्वारपाल होते हैं। और द्वारपाल वह व्यक्ति है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंख्या माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। जनसंचार के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं, और वह द्वारपाल व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह हैं जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन चीज आती है वो आता है जनसंचार के कार्य, ठीक है। जनसंचार के कार्यों में सबसे मेन चीज क्या आती है, सबसे पहले तो होता है हमें सूचना देना, ठीक है। जनसंचार के कार्यों में सबसे पहला काम होता है सूचना देना, उसके बाद होता है शिक्षित करना, उसके बाद होता है मनोरंजन करना, उसके बाद होता है एजेंडा तैयार करना, उसके बाद होता है निगरानी करना, और उसके बाद होता है विचार विमर्श करना। जनसंचार के कार्यों में क्या होता है, सबसे पहला काम है सूचना देना, उसके बाद क्या है, शिक्षित करना यानी कि उसके बारे में बताना, उसके बाद है मनोरंजन करना, उसके बाद एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच, ये सब क्या है, जनसंचार के कार्य है। यानी कि जो जनसंचार हमारा होता है वो इस तरह से होता है। अब देखिए हमने संचार, जनसंचार टॉपिक पढ़ लिया है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है हमारा संचार, ठीक है। तो संचार के बारे में पढ़ना है, संचार होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि संचार शब्द की उत्पत्ति जो है चल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, ठीक है, संचार करते, मूव करते रहना, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगला, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संचार क्या है, वो एक जटिल प्रक्रिया है, और वो कितने प्रकार की होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया वो चार प्रकार की होती है, अंतर्वैयक्तिक संचार, और आपका मौखिक संचार, और आपका समूह संचार, और सबसे मेन जो आता है आपका जन संचार, ठीक है। तो जब आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि क्लास 11th का भी यदि आपका टॉपिक है तो वो है आपका जन संचार और जन संचार के विभिन्न माध्यम। तो जन संचार के विभिन्न माध्यमों में मैंने आपको बताया रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, यही जन संचार के प्रमुख
माध्यम होते हैं, लेकिन इन्हीं के कारण हम जो है घर पर टीवी देख पाते हैं, मोबाइल चला पाते हैं, तो यही सब जनसंचार के प्रमुख हैं। और फिर जनसंचार की विशेषताएं मैंने आपको क्लियर की कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं जनसंचार की। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा जनसंचार के कार्य है कि हमारे जनसंचार और क्या क्या काम कर सकती है यहाँ पर, तो उसके बारे में मैंने क्लियर किया है। और फिर हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है पत्रकारिता। ठीक है, एक हमने बताया था प्रतिवेदन, ठीक है, एक हमने क्लियर किया था प्रतिवेदन, और एक हमने यहाँ पर बताया था कि पत्रकारिता। पत्रकारिता होती क्या है? रिपोर्टिंग, ठीक है, एक होती रिपोर्ट जिसे प्रतिवेदन कहते हैं, और एक होती रिपोर्टिंग। ठीक है, तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्रिंट करके, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके तीन पहलू हैं, समाचार, संकलन और संपादन व प्रकाशन। क्या है? सबसे पहला है समाचार, दूसरा है संकलन और तीसरा है आपका संपादन और प्रकाशन। और उसके बाद आपका एक एक करके जितने भी हमने जनसंचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा था, जनसंचार के माध्यमों को जितना हमने यहाँ पर बताया था, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि जो जनसंचार के माध्यम है वो कौन कौन से हैं, रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रेडियो के बारे में बताया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक नंबर का ये आपका प्रश्न आता है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनसंचार के माध्यमों में जो हमारा रेडियो है वो कैसा है हमारा, यह केवल एक श्रव्य यानी कि ध्वनि माध्यम है, इसमें कोई भी आपका श्रव्य माध्यम नहीं है, यानी कि कुछ भी दृश्य माध्यम नहीं, सॉरी, कोई कुछ भी दृश्य माध्यम नहीं है, ये केवल और केवल श्रव्य यानी कि ध्वनि वाला माध्यम है, और इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति है, यानी कि इसमें काफी तत्परता होती है, तात्कालिकता होती है, घनिष्ठता होती है और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंच जाता है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंच जाता है। आकाशवाणी, अब देखिए रेडियो के जो अलग अलग चैनल हैं उनके उदाहरण दीजिए जिनको हम मोस्टली सुनते हैं, आकाशवाणी, एफएम चैनल्स, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मॉस्को रेडियो आदि अनेक केंद्र है। ये सब क्या है? रेडियो के केंद्र है। तो जैसे यहाँ पर आकाशवाणी के लिए भी आपने सुना होगा कि अब तो आता है कि ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, तो इस तरह से आपने सुना होगा आकाशवाणी में जब आप रेडियो सुनते हैं उस टाइम पे। और जो एफएम चैनल होते हैं कि ये है आपका एफएम 98.3 या इस तरह से 94.5, इस तरह के 94.5.3, इस तरह से जो आपके ये क्या होते हैं, सारे के सारे रेडियो चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमें हर टाइम पे आपने देखा होगा कि जो रेडियो को अगर आप शाम के टाइम पे ऑन करेंगे तो उस टाइम पे किसानों के से संबंधित जो फल फूल बीज से संबंधित उसमें चीजें आती हैं, और बाकी टाइम पे अलग अलग तरह के जो गीत होते हैं और बाकी चीजें उसमें आया करती है। तो इस तरह से जो रेडियो है ये केवल और केवल हमारा श्रव्य माध्यम है, और इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है, जैसे आकाशवाणी, एफएम चैनल, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मॉस्को रेडियो आदि इसके केंद्र है। अगला है जनसंचार का माध्यम टेलीविजन। देखिए ये भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि टेलीविजन को मुझसे ज्यादा आप लोग काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को टेलीविजन देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जनसंचार का सबसे नया माध्यम, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे नया माध्यम है इंटरनेट।
ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि इंटरनेट के बारे में और बाकी हमारा टेलीविजन के बारे में और जनसंचार के माध्यमों के लाभ और हानियां और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने जितना भी पढ़ाया है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।